क्या मोदी जी 2013 के अपने भाषणों से परेशान हैं या 2019 के लिए उससे भी अच्छा भाषण लिखने में लगे हैं? आपके लिए कुछ किया क्या? नहीं किया ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषणों के मास्टर कहे जाते रहे हैं। साल 2013 में जब डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के गिरने पर मोदी जी दहाड़ते थे, तब लोग कहते थे, वाह मोदी जी वाह। उस वक्त मोदी जी का भाषण देश के लिए राशन था। लोग कहते नहीं थकते थे कि देश को बोलने वाला नेता चाहिए। ये बात तो मोदी जी भी बखूबी समझते थे कि पब्लिक में बोलने वाला नेता की डिमांड है। बस उन्होंने भी बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पेट्रोल महंगा होता था, मोदी जी बोलते थे। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। रुपया गिरता था, मोदी जी बोलते थे, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। जवानों के सर कटते थे, मोदी जी बोलते थे, क्या कारण है कि पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान की धरती पर हमारे सेना के जवानों के सर काट करके ले जाए। मगर आज 2018 में मोदी जी ने मनमोहन रूप धारण कर लिया है और इस बात को सीरियसली ले लिया है। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांशु श्रीवास्तव और आज का हमारा मुद्दा है मोदी जी की चुप्पी। फ्रेंड्स, इस मुद्दे के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि इसे और भी लोग देख सकें। 2013 में मोदी जी बोले और बहुत बोले। 2014 में जनता ने मोदी जी को सुनकर सर आँखों पर बिठाया और प्रधानमंत्री बना दिया। मीडिया ने भी उनका गुणगान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और जिसने छोड़ी उसका तो लिखने का काम ही बंद हो गया। दो दो एंकरों की नौकरी छीन ली गई, कुछ एडिटर्स को साइड कर दिया गया, इंडियन मीडिया को बीजेपी मीडिया बना दिया गया। मगर आज मोदी जी पेट्रोल से लेकर रुपए पर बोल नहीं रहे हैं, नोटबंदी पर बोल नहीं रहे हैं, जबकि ये तो मौका है पहले से भी ज़्यादा बोलने का। अब देश में नौकरियां तो नहीं मिल रही पर भाषण तो मिल ही सकता है। मीडिया को कमज़ोर कर दिया गया ताकि जनता को कमज़ोर किया जा सके। जब एंकर्स को हटाया जा सकता है तो सवाल पूछने वाली जनता की क्या बिसात? क्या सच में हमें ऐसा ही भारत चाहिए था? क्या हमारे सवाल सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, लव जिहाद और गौ माता तक ही सीमित होने चाहिए? क्या 2018 के इस भारत में हमें पेट्रोल के दाम पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है? रुपया गिरता है तो गिरता रहे, हमें सवाल करने का कोई हक नहीं है? नोटबंदी के एक्सपेरिमेंट से देश को इतना नुकसान हो गया पर हमें इस पर सवाल करने का कोई हक नहीं है? और अगर हक है तो प्रधानमंत्री इन बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों आज वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, लोगों की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या उनका ही दिया हुआ भाषण उन्हें डरा रहा है? श्री श्री रविशंकर तो $1.40 का करवा रहे थे, पता नहीं आज वो अपने भक्तों का सामना कैसे करते होंगे। रामदेव देश को ₹35 लीटर पेट्रोल दिलवा रहे थे पर अब इस मुद्दे पर वो भी चुप हैं और अपना सारा ध्यान अपने बिजनेस पर लगा दिया है। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको ₹75-80 का पेट्रोल चाहिए कि ₹35 का? तो आपको जो ₹35 का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? सरकार में हर कोई दूसरा टॉपिक खोजने में लगा है जिस पर बोल सके ताकि रुपए और पेट्रोल पर बोलने की नौबत ही ना आए। जनता भी चुप है और ये चुप्पी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। क्या जनता को भी नहीं दिख रहा कि पेट्रोल 90 के पास पहुंच गया है और रुपए 73-74 के पार चला गया है? जब इन्हीं सवालों पर 2013 में प्रधानमंत्री से पूछा जाता था तब 2018 में क्यों नहीं पूछा जा रहा है? ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री रुपए के ऐतिहासिक गिरावट पर भी बोल नहीं पा रहे हैं, राफेल डील पर बोल नहीं पा रहे हैं और फिर भी हम सवाल नहीं कर रहे हैं? क्यों? इस क्यों का जवाब है डर। डर का समाजीकरण हुआ है। ये डर ही है कि आज कोई सवाल नहीं कर रहा है। मीडिया को डर है एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलने का, एंकर्स को डर है नौकरी चले जाने का, जनता को डर है देशद्रोही कहलाने का,
सवाल के बदले जवाब नहीं मिल रहा, मिलता है तो सिर्फ डर। हिंदुओं को मुसलमानों से डराते हैं, मुसलमानों को हिंदुओं से डराते हैं, और इस डर के बीच से गायब हो जाते हैं वो सवाल जिनका पहले मोदी जी बेबाकी से जवाब दिया करते थे। 2019 के चुनाव से पहले जनता के सवाल गायब कर दिए गए हैं। टीवी पर मोदी के सामने कौन का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इन सब में जनता भी गायब हो चुकी है। या तो वो समर्थक बन गई है या भक्त। क्या जनता भी हिंदू मुस्लिम के खांचे से बाहर नहीं आना चाहती, या उसे बाहर आने से डर रही है? मनमोहन सिंह की खामोशी पर आवाज उठाने वाली बीजेपी आज खुद चुप है, मोदी जी चुप हैं। सरकार में कोई कुछ भी बोल देता है मगर सवाल का जवाब नहीं देता है। कुछ भी बोल देता है ताकि बहस होने लगे, ताकि मुद्दे से ध्यान हट जाए, ताकि आप ये ना पूछें कि पेट्रोल के दाम 90 कैसे पहुंच गए, रुपए 74 के पार कैसे हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योर फेम स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।